मधुबेन एसटी आर क्यू बोलो हाँ बोल रोलिंग नोट एंड मधु राइट में एंड एक्शन मधु मधु मैं तुम्हारा आर क्यू मधु हाँ होल्ड अभी वो प्यार वाली प्यार वाली का पीछे फोकस मधु रुपये की मधु फोकस नोट एंड एक्शन बीवी तुम्हें हमारे प्यार की कसम एक स्टेप पीछे रोलिंग राइट बैलेंस मधु मोड एंड एक्शन बीवी तुम्हें हमारे प्यार की कसम क्लियर नहीं हुआ रोलिंग एंड एक्शन बीवी तुम्हें हमारे प्यार की कसम पीछे सिर्फ रुकी हो आगे सिर्फ कॉम्पस जाओ मधु रुकेंगे चलो यहां से रुकेंगे मुझे उससे बात करनी है स्विफ्ट करना मोड एंड कान खड़े हुए मुझे उससे बात करनी है उससे वही डुप्लीकेट से उससे क्या बात करनी है मधु हाँ मधु दर्द है बेटा रूलिंग मोड आगे मोड एंड मैं तेरे को बोलूंगी तभी बोलूंगी बहुत परेशान कर रही है मैं एक्शन मधु ये सब छोड़ो और चलो यहां से तुम जानती हो ना कितना बड़ा धोखेबाज और चालाक है अरे बातों में उलझा के तुम्हें बेवकूफ बनाना चाहता है मधु मधु मैं तुम्हारा आर क्यू नहीं नहीं बेवकूफ मैं नहीं ये बना रहा है मधु मधु बेवकूफ मैं नहीं ये बना रहा है तुम सबको बेवकूफ बना रहा है मधु मधु मैं तुम्हारा आर क्यू मैं तुम्हारा आर क्यू मधु तुम्हें मुझसे जो पूछना है पूछ लो मधु मधु मेरी बात सुनो तुम्हारे हाथ सवाल का जवाब तुम्हारे हाथ सवाल का जवाब मैं दूंगा तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा मधु मधु मैं तुम्हारा आर क्यू हाँ मधु मैं तुम्हारा आर क्यू मधु मैं सब बता सकता हूँ मुझे वो लाइन बोल गया ना ऐसा करने का कैमरा कौन सा नहीं आ रहा ए ऊपर कौन है अजय उसका डिमर कम कर ऊपर खींच ले डिमर कम कर पोजीशन थोड़ा पीछे रखना है मैम तो ग्रीन टेप थोड़ा पीछे हो वही 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 मधु मधु तुम आ गए मुझे पता था तुम जल्दी आओ मैंने जाना के पास मैं जानता था कि मेरा प्यार मधु जिसने मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया है कोई है कि आके आगे हाथ बढ़ाए मूवमेंट देख सकता लेफ्ट में मतलब मैंने फिर बॉडी हिलाना हल्का तो सिर्फ हाथ हिला जहाँ ले जाना ले जाओ पर लाने की जरूरत नहीं समझ बोल देगा तो ऐसे कर देना बॉडी खत्म हुआ तेरा सारा गेम खत्म हुआ अब तुझे कोई नहीं बचा सकता मुझसे और मधु मधु तुम जाके बुलाओ इंस्पेक्टर को कहो उनसे कि इसे अरेस्ट करें ये नकली आर के है यही के आर के है मधु मधु मैं तुम्हारा आर के हूँ असली और नकली का फर्क ये देखो मधु तुम्हारे नाम का टैटू मधु टैटू देखो टैटू ये देखो
इस पे भरोसा नहीं किया भाई मधु बात सुन ले और उसने कहा चलो चुप हाँ होल्ड मोड है कुछ नहीं सुनना मुझे प्लीज स्टॉप लाफिंग यार कुछ नहीं सुना मुझे मैंने सोचा था इतने दिन यहां रहकर जेल में सड़कर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा पर नहीं और तुम्हें क्या लगा था यूं दीवारों पर मधु मधु लिखेंगे और तुम्हें क्या लगा था तुम दीवारों पर इस तरह मधु मधु लिखोगे और मैं ये मानूंगी कि तुम मेरे आगे हो और ये नकली क्या है गलत करने में जी रहे हो अरे कुछ सीखना है तो इनसे सीखो नकली क्या नहीं हो रहा हाँ नकली नहीं क्या और तुम्हें क्या लगा दीवारों पर मधु मधु लिखकर मैं ये बिलीव कर दूंगी बिलीव नहीं बोल सकती और दीवारों पर मधु मधु लिख और तुम्हें क्या लगा इस तरह दीवारों पर मधु मधु लिखोगे तो मैं ये मान लूंगी कि तुम आ गए हो और ये क्या कि अरे कुछ सीखना है तो इस इंसान से सीखो जो आज तुम्हारी मां से मिलकर आया अगर इसका बस चलता अगर इसका बस नहीं क्या होता वो अगर ये चाहता और अगर ये चाहता ना तो ये तुम्हारी माँ को सारी सच्चाई बता सकता लेकिन नहीं इंसानियत के नाते इससे तुम्हारी माँ को कुछ नहीं पता है बल्कि एक बेटे की तरह उनसे मिला केआरके की तरह अपने आप के लिए नहीं तो अपनी माँ के लिए सुधर जाओ क्या होता अगर उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा एक क्रिमिनल है क्या बोलेगी वो क्या ना हाँ क्या बोलेगी उसपे वो क्या होगा सीधा खड़ा हो क्या बोलेगी आगे तो पूरा सिंपल सा क्या बोलेगी उसपे और इतना ही छोटा इंसान है हाँ बदल सकते हो तुम बस जब उन्हें तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा कि तुम कितने छोटे इंसान अपनी माँ के लिए जाने दो मधु चलो यहां से चलो ये जैसे इंसान कभी नहीं सुधर सकते सर रोल एंड एक्शन